टाटा की वफात के बाद जो सबसे जो एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है, जो मौजू बेजेरे बहस है, वो है टाटा साहब की बीवी अस्मा बेगम। आज हम बात करेंगे शबाज साहब से कि टाटा साहब की पहली शादी कैसे हुई, उनका उनके साथ कैसा तलक था, और वो जो इनकी बीवी थी, पहली बीवी थी, उनका घर वालों के साथ रवैया कैसा था। सर जी, तारक साहब की पहली शादी जो तारक साहब छोटे छोटे एंट्रियां करते थे, लाहौर की, फैसलाबाद की, मुल्तान की, इन्होंने फिर लाहौर एक रिश्ता खुद ही वेख लिया। एक दो हफ्ते अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, इन्होंने एक शादी का फैसला कर लिया। शादी उनकी तब हुई थी जब पहले साहब स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल टाइम की शादी उदों की हुई है। तारक साहब कर रहे, कभी पिंडी कर रहे, कभी इधर हरूनाबाद। स्टेज आर्टिस्ट सन या कोई घरेलू कुड़ी सन? घरेलू कुड़ी सी, स्टेज एक्टर नहीं। अगर उन्होंने कहा गया बाजी वो मकान की छत जी ना साड़ी डिगन वाली, तो तारक साहब कहो, उन्हें तारक साहब ने कहा जी इन्होंने मकान का लेंटर पवा के दो। तारक साहब ने लेंटर पवाता। टैडी साहब वास्ते बड़ी लकी सन जो जिंदगी चुनाव आए तो टैडी साहब को बाड़ा लग गई। हाँ जी, दूसरी बीवी लिया भी असं आप हाँ, तजरील भी असं आप हो गए। मीडिया ने भी उन्होंने बेचारे गंदिया कर रही थी। पहली बुढ़ी ने मैंने तंग नहीं किया ना मेरी फैमिली तंग, तू मेरा जीना हराम करता। वो भी कहते वो मूँह तो कहते थे मीडिया के थ्रू बड़िया गाला कड़ रही है, अपनी जबान से कंट्रोल करे। मैं भी एक मर्द हैगा, गाल मैं नहीं बर्दाश्त कराँगा, मेरी भी बेटियां ने, मैं भी इज्जतदार बंदा है। आसमा बीबी यदि बैक के दो बंदे ने जेड़े सानू टॉर्चर करते पे ने, यदा जो माँ बाप है सानू उन्हों का भी खतरा हैगा, ये कोई ना कोई हमला कर सकते हैं। असं मीडिया थ्रू पैगाम देना चाहते हैं कि सानू तहफ़ दिता जाए, साड़ी आवाज़ चुकी जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पड़ोस। नाज़रीन, इस वक्त टाटा की वफ़ात के बाद जो सबसे जो एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है, जो मौजू बेज़ेरे बहस है, वो है टाटा साहब की बीवी अस्मा बेगम। उनके बारे में तो लोगों ने बड़ा कुछ कहा जनाब कि वो पैसों के लिए सब कुछ कर रही हैं, उन्होंने शादी भी दौलत के लिए की, शबाज साहब का भी मौकफ था। लेकिन आज हम बात करेंगे शबाज साहब से कि टाटा साहब की पहली शादी कैसे हुई, उनका उनके साथ कैसा तलक था, और वो जो इनकी बीवी थी, पहली बीवी थी, उनका घर वालों के साथ रवैया कैसा था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। शबाज साहब, आज तक हमने टाटा की दूसरी बीवी के बारे में बात ही की है, पहली बीवी के बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि टाटा साहब की पहली शादी किस तरह हुई। सर जी, तारक साहब की पहली शादी जो तारक साहब छोटे छोटे एंट्रियां करते थे, लाहौर की, फैसलाबाद की, मुल्तान की, इन्होंने फिर लाहौर एक रिश्ता खुद ही वेख लिया। वेखन तो बाद इन्होंने शादी का एक फैसला कर लिया। एक दो हफ्ते के अपनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इन्होंने एक शादी का फैसला कर लिया। फिर हम शादी का फैसला करने तो बाद दूसरी गल सी कि घर वाले तमाच लैना कि मेरी वालदा ना बोले, मेरे अब्बाई ना बोले, मेरे भैन भरा ना बोले। साढ़े जी शादी तो पहली सी, तो बड़ी अम्मी ना ज़्यादा ये सैटिंग है सी, अब्बाई ना भी घट सी, साढ़े ना भी सी। तो इन्हें पहले अम्मी ने बनाया कि मैं इंजन एक लड़की वेखी है, तो मैं शादी करना चाहना। तारक साहब उनसे दिल से मोहब्बत करते? हाँ, उन्होंने दिल तो मोहब्बत, हाँ बिल्कुल, लव मैरिज सी, इन्हों का प्यार सी, लव मैरिज हो गई। फिर इन्होंने अम्मी ने तमाच लिया, अम्मी ने कहा ठीक, अम्मी ने आस्ता आस्ता सानू भी तमाच ले लिया कि भी अगर शादी करता तो करन दे, तुहानू कहा कोई त्रास हैगा, तुसीं इहदा कित्थे करना है। फिर असीं भी इजाजत देती, फिर इन्हों का एक चार बंदे बैठ के फैसलाबाद निकाह हो गया। लड़की थी जो कि पहली भाभी थी, वो लाहौर से थी या फैसलाबाद? लाहौर, लाहौर, लाहौर तो थी, लाहौर तो सी। फिर इन्होंने फैसलाबाद बैठ के निकाह हो गया। छे महीने साड़ी फैमिली च रही है, छे तो अठ महीने या दस महीने फैमिली जी। तारक साहब जिते मर्जी काम करन, वह घर ही रहन रही है। शादी उनकी तब हुई थी जब पैटी साहब स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल टाइम की शादी उदों की हुई है। तारक साहब कर रहे, कभी पिंडी कर रहे, कभी इधर हरूनाबाद, वजीराबाद, इधर अपना कमालीए शमालीए। लेकिन बीवी उदों की निकाह तो बाद घर ही रही है। फिर जो तारक साहब लाहौर आए ने, अम्मी ने खुद ही फैसला किया कि काका एक जगह से टिके बह जा, तो बीवी अपनी नाल लै जा। हूँ बीवी भी तू साढ़े को छी, आप तो बहर रहना, उदो तेन शादी का चा से। फिर वो शादी करने तो बाद उन्हें बीवी अपनी लाहौर लैन दी है। लाहौर समनाबाद एक घर लिया 800 रुपया दे किराए पर, किराए दे तार सन किराए से रहना, आप मोटरसाइकिल से चल जाना ड्रामे से, फिर रक्षे चल जाना। फिर वो मेरी ड्यूटी लग गई कि यार तू ना, मैं तो शुरू तो लाहौर से, असं दोवें भरा लाहौर से। फिर मेरी ड्यूटी लग गई कि तू भाभी तो कोल रहा कर, तो भाभी का कोई शहर लियानी पैंती। फिर जिस तरह उन्होंने कहना सी उस दिन। स्टेज आर्टिस्ट सन या कोई घरेलू कुड़ी सन? घरेलू कुड़ी सी, स्टेज एक्टर नहीं सी। किन्नी सी टाटा साहब जी ने सन कि छोटी सन? तारक साहब की सेम उम्र होएगी, ला लो। अच्छा, उन्होंने रवैया घर वाले कैसा सी? वह भी सख्त मजाज सन, गुस्से वाले सन कि नहीं, वो प्यार मुहब्बत करने वाले सन? उन्होंने जी पहली बीवी है वो सारो तो घरेलू औरत सी, वह तो चीज़ शक ही कोई नहीं हैगी कि वो उन्होंने पता नहीं सके कि मेरी माँ वा। उन्होंने पता सी कि वह सस तो कहती, अम्मी कहती सी उन्होंने, तो जिहड़ी मेरियां भैणां ने उन्होंने बाजियां कहिंदी सी, ते मेरे भरावां नूं भैण कहिंदी सी। ओह भैण अकरम, मेरा भाई अकरम, उहदी बड़ी इज्जत करदी सी, अब्बा जी दी बड़ी इज्जत करदी सी, अब्बा जी, अब्बा जी करके उहदी ज़बान, अब्बा जी ने ऐ शै कहणी। यानी कि उहने सानूं दस्सता सी कि तुसीं गलत फैसला नहीं कीता,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬਾਸ ਕੀ ਪਕਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਗੋਸ਼ ਸਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੇ, ਸ਼ਬਾ ਬਾਬੀ ਐ ਬਾਜੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਾਜੀ ਐ ਪਕਾ ਲਾ, ਬਾਜੀ ਐ ਪਕਾ। ਤਾਰਸਾ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਬੀ ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਭਾਬੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਸਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਐਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਦ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਤ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਇਤਮਾਦ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਤਾਰਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਤਮਾਦ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਰੂਜ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਰੂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਤਾਰਸਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਤਾਰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਰਸਾ ਨੇ ਲੈਂਟਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਓ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾ। ਹਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਚਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੱਜ ਕੀਆ ਥਾ, ਵੋ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਪਕੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜ 'ਤੇ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਜ 'ਤੇ ਭੇਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਜ ਕਰਾਓ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੂਬੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਹਜ ਸੀ, ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਵਾਹਰ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਵਾਹਰ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਭਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਜ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਹੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਲਾਲਚਣ ਸੀ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਘਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਘਰ ਵੈਲਕਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਭੈਣ ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਖੋਪੁਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਗਈ ਹੈ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ, ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਕੁਛ ਐਪ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਸੋਫਾ ਪਸੰਦ, ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸੋਫੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਫਰਨੀਚਰ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਲੱਕੀ ਸਨ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਸੀਬ ਔਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਆਪਣਾ ਮਰਦ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਅਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਦੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੀਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ ਬਾਹਰ। ਫੌਤਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਨ ਹੈਂਡ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਡੀ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਫਰਕ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ,
वो अपने घर नहीं सी रखती, वो खाना पकाती सी अपने घर नहीं रखती, वो कोई आया मेहमान अगे रखना, यानी वो दौर च इतने शुगर मेले ज्यादा लगते सी। इतने इंज हो कि अपनी दूसरी बेगम के होने के बावजूद अपनी पहली बेगम याद किया हो दखा जासू एन छे बंद बह के यार कोई जोड़ मुकाबला नहीं। एक दफा नहीं 40 दफा रोए ने कि पहली बुढ़ी ने मैं तंग नहीं सी किया ना मेरी फैमिली तंग, तू मेरा जीना हराम करता। वो भी कहते वो मूँह तो कहें कि पहली ने मेरा अज तक मेहमान नहीं सी बूहे तो मोड़िया, तू मेरे मेहमान मोड़े ने। पहली बुढ़ी ने छोटे बच्चे इंज करके नहीं सी मारिया, तू अपने बेटे सुनो तू मेरे बेटे ने मेरे सामने मार दी। पहली बुढ़ी ने अब्बाई को अपना नाश्ता आप कराती सी, रोटी आप दें सी, कि मेरा प्यो बाप समझ गए तू उन्हें कोई शायद नहीं पुछती। तेरे च तो उस सौर च कि फर्क है, अगर मैं किसी डैन कहाँ डैन की जगह तू लवेंगी। अगर इन्ना स्ट्रैस होंगे सन तो फिर भी उस स्टेज पर जाते सन, कहते नहीं सन यार खुदा का वास्ते मेरी ना मैं दिमागी तौर पर मैंने हिलाया कर मैं उस स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस। सर जी वो घर 24 घंटे रोंदा भी यही कि गलत फैसला तुम्हें करता है, जो उन्होंने कहना तारा साहब कहना मेरी गल च ना बोलो तुम्हें फैसला मैंने फसाने वाले अब्बाई भी तो तू ही अब्बाई तो मैं कहना कुछ नहीं वो बीमार ने लेकिन मैंने फसाने वाला भी तू ही बंदा है। तो सानू इस ना कि इधर उधर शादी कर देगा तो पता नहीं बच्चे ना की सलूक होएगा, लेकिन वो इधर उधर कर लेता तो मैं लगता वह जाती फैसला अच्छा हो जाता। साढ़ा एक अच्छा फैसला नहीं हो सकता, असी एक अच्छी भैन बना के अच्छी वो बीवी बना के लिया, अच्छी वो बेटे की माँ बना के लिया। उन्हें एक फिल्म च वेख्या कि सतेली औरत या सतेली बीवी जी एक रंग दिखाती, वह रंग उन्हें आंदा दिखाता। तो रही गल तुहाड़े मीडिया के थ्रू बड़ी गालां कढ़ रही है, अपनी जबान ते कंट्रोल करे, मैं भी एक मर्द हैगा गाल मैं नहीं बर्दाश्त करांगा, मेरी भी बेटियां ने मैं भी इज्जतदार बंदा है। सानू अगर इस टाइम दे खतरा हैगा घर दे विच सोनू नू ते या मैनू उहदी जिहड़ी दूसरी बीवी आसमा बीबी इहदी बैक दे दो बंदे ने जिहड़े सानू टॉर्चर करदे पए ने, टॉर्चर तो मुराद के जिहड़े वॉच करदे ने, ये मैनू ही पता कि वॉच करते हैं ये छड़ के इन आगाम छा जाए साडा सारा फोकस उन्होंने वे। दूसरी यदा जो माँ बाप है सानू उन्हां दा भी खतरा हैगा, ये कोई ना कोई हमला कर सकते हैं। असीं मीडिया थ्रू पैगाम देना चाहते हैं कि सानू तहफ़ुज़ दिता जाए, साडी आवाज़ चुकी जाए, इस औरत को सानू जान और माल का मैनू भी खतरा है, असीं भी फिरन तुरन वाले बंदे हैं काम तो असीं, मेरे भतीजे भी खतरा है, खतरा उदों तारक नूं भी सी लेकिन तारक किसी नूं दसदा नहीं सी बच्चे का खतरा सी, हुण तारसा दुनिया ते नहीं हैगी। ये औरत इन्नी होई पई है कभी किसी चैनल में फड़ लैंदी कभी किसी चैनल में फड़ लैंदी, इस कोई सच्चाई नहीं हैगी कोई हकीकत नहीं हैगी। मैं अज ऑन कैमरा तुहाड़े अगे सारे अनाउंस करदा कि एक भरजाई बना के लिया, एक भैन बना के लिया, एक शौहर की अच्छी बीवी बना के लिया, एक बच्चे की माँ बना के लिया, एक बाप वास्ते उसकी नूँह अच्छी लिया, लेकिन उन्होंने छे कमां एक भी ये खूबी कोई नहीं सी। वह मीडिया खुद जानती कि जिस तरह रोड़ा फिर तारक साहब की वॉइस सुन ली, तुम तारक साहब की आडियो सुन लीए, तुम हर चीज़ सुन लीए, तो तुम खुद इस चीज़ का फैसला कर लेना कि यह सारी गलत है, बिल्कुल रहोगे इस कोई सच्चाई नहीं है। नाज़रीन अब आपने शहबाज साहब की गुफ्तगु सुनी, किसने बताया कि टैडी साहब की पहली बीवी माशाल्लाह कितनी अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी, घर वालों का ख्याल रखती थी, और आज जो है तभी अच्छी हैं तो शहबाज साहब उनके बाकी घर वालों के गुण गीत गा रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह अज़्ज़ वजल उन्हें और टैडी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान पहले मेरी सुन लो, अगर ये औरत इन्नी अच्छी होंगी ना जिनी अच्छी साड़ी पहली भरजाई सी, मैं उदियाँ तो अज तारीफा मैं नहीं कर रहा, मैं तुम्हें ऑन कैमरा को 10 बंदे भी अगर लवेंगे जी तारीफा कर दी, असी भी अगर इन्ने पैर धो धो के पीते भी अगर अच्छी औरत होंगी तो अज रोड़ा तो भी ना होंगी, अज सू बिस्तर कर दी, असी पहले भरजाई तरह भी यदि इस तो ज़्यादा इज्जत करनी सी, लेकिन इन इज्जत अपनी कराई नहीं गई, साढ़े भाई की भी इज्जत नहीं की, साड़ी भी नहीं की, मेरे वाल साहब नहीं की, ये अपनी खुद जिम्मेदार हैगी है, असी ये कोई जिम्मेदार असी पहले भरजाई में भी अल्लाह उन्होंने जनता जी घर देवे को वक्त नहीं है, अगर वह जिंदा होंगी साढ़े बिच होंगी साढ़े तक इतों नौबतान ना पहुँचती। अज तारक टैडी साहब की रूह में ठेस पहुँचाने वाली ये औरत है, हजे मेरा ख्याल जुमा जुमा 8 दिन ही होए तो इस औरत ने अपना रंग दिखाता, ये रंग इस औरत ने तलाक तो बाद और शादी के विच भी दिखाना शुरू करता से जोड़ा मीडिया पता ही नहीं है, ठीक हो गया। तो मैं तो आखिर तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इस औरत हदायत दे। जी नाज़रीन के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें जी, अब अल्लाह हाफिज़।